हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम्स। तो यहाँ पे एक मैच होने वाला है लली का लीग फुटबॉल का, बार्सिलोना वर्सेस लिवेंट के बीच, जो कि खेला जाएगा 2 घंटे बाद। थोड़ा रिस्की मैच है भाई, क्योंकि बार्सिलोना टीम फॉर्म में है नहीं, लगातार हारती है। लेकिन हम अपन लोग मतलब ऑपोजिट फेवर की टीम भी नहीं बना सकते, और ज़्यादा रिस्क होगा, तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, इस मैच में। एक चीज़ बता दूँ तो दोस्तों, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, एक्चुअली अभी तो मैं इसका लिंक नीचे नहीं दूंगा, क्योंकि ये लिंक वर्क नहीं कर रहा, आप लोग कह रहे थे, तो डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना नेम सर्च करके। तो गाइज़, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी की चीज को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इस मैच की, बार्सिलोना वर्सेस लिवेंट। देखो, बार्सिलोना टीम अच्छी थी पहले, क्योंकि जब मेसी ग्रिजमैन थे, लेकिन इनकी स्ट्राइकिंग बहुत ख़राब हुई है इस बार। बार्सिलोना टीम की स्ट्राइकिंग जब तक ग्रिजमैन था ना, तब भी अच्छी थी, मैंने खुद देखा था, ब्रैथवेट भी गोल कर रहा था, डीपे बहुत अच्छा खेल रहा था। लेकिन जब से ये डेब्यू मैच में एल्डी जोंग को लाए हैं, वो गोल कर नहीं रहा, 2 बार हो चुका है कॉन्जिक्यूटिव, आज ये दोबारा ला सकते हैं। अगर आज आया तो बहुत रिस्क है, क्योंकि वो गोल मार भी सकता है, लोगे तो क्या पता फ्लॉप भी जाए, तो बहुत तगड़ा रिस्क है अगर आज एल्डी जोंग खेलता है। बात करें गोलकीपर की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर डैनियल। पिछले मैच के अंदर ए फर्नांडिस को रेड कार्ड मिल गया था रियल मैड्रिड के खिलाफ, कोई मिस्टेक होगी होगी भाई, ये तो अभी पता नहीं। तो यहाँ पे मैं लूंगा इस प्लेयर को, जो कि ऑपोजिट टीम, मतलब ये आ सकते हैं, क्योंकि विदाउट गोलकीपर तोड़ना टीम चलेगी। एंड आगे से बात करें डिफेंडर की, जी पिक्यो को लूंगा। एक्चुअली यू नो कि जे आल्बा को भी ये लाइनअप्स में नहीं ला रहे यार, क्यों नहीं ला रहे हो लाइनअप्स में? अब मैं तो देखो जज, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, जे आल्बा अपनी टीम के लिए मिडफील्डिंग तक करता है, और जब तक मेसी था इसने गोल्स भी किए हैं, और कई बार मेसी के कॉम्बिनेशन में जीएल भी कईयों को वॉर्न कराई है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन इस प्लेयर ने। तो मेरे को दुख है कि जे आल्बा क्यों नहीं खेल रहा, क्योंकि अगर ये प्लेयर टीम छोड़ के चला गया ना, तो बार्सिलोना टीम बिल्कुल स्ट्रांग नहीं रहेगी, जितने सीज़न पहले थी ना, बहुत गिरावट आ जाएगी यार। और आगे से मैं बात करूँ अराजो की, अब अराजो ही जो बंदा था जिसने जीआरडी को गोल किया, मेन स्ट्राइकर खेल रहे थे उस दिन, कितनी गलत है। मेन स्ट्राइकर डीपे, मैं कहता हूँ रोबर्टो भी एक स्ट्राइकर ही है भाई, रोबर्टो को मैं स्ट्राइकर की गिनती में लेता हूँ। एवडे जोंग इतना मेन असिस्टर, जिससे आप लोग वाइस कैप्टन रखते हैं, लेकिन गोल कौन करके गया? अराजो, चलो ये कुछ नहीं होता। सर्जिनो डेस्ट को मौका मिला लास्ट के 2 मैचेस में, और डेस्ट ने उस मौके का पूरा फायदा उठा के बहुत अच्छा खेला। आगे से बात करें मिडफील्डर की, एवडे जोंग वाइस कैप्टन ऑप्शन बचता ही यही है, मैं आप लोगों की गलती नहीं कहूँगा, आप लोग अगर इसको वाइस कैप्टन रख रहे हो तो मुझे पता है इसके बजाय कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, करोगे क्या? ठीक है, तो ये बात तो चलो समझ में आती है, लेकिन हर बार भी मत ट्राई करो, मतलब गोल नहीं करता है प्लेयर ज़्यादा, सीज़न में सबसे कम गोल होते हैं बार्सिलोना की तरफ से इस प्लेयर के, असिस्ट ज़्यादा होती हैं। रोबर्टो की बात करूँ, रोबर्टो को ऐसा इन्होंने ट्रायल मैच भेजा था जब मेसी जा चुका था, एंड जब एक ग्रिज़मन ने जाना था, मतलब टीम छोड़ के, जब तक ग्रिज़मन खेल रहा था ये प्लेयर फॉर्म में था, और शुरू के सब्स्टिट्यूशन मैचेस में गोल भी किया था इस प्लेयर ने। रोबर्टो फॉर्म में है अभी। ई बार्दी की बात करूं, एनिस बार्दी अगर खेलता है तो अच्छा चलता दिखेगा, लेकिन मिलेरो से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है आज के मैच में। मिलेरो ने पिछले सीज़न भी गोल लगाया था ये बड़ी टीम बार्सिलोना को, तो मिलेरो कर देता है भाई जो बड़े बड़े प्लेयर नहीं कर सकते। एंड जेडी फ्रूटिस की बात करूं, ये प्लेयर सिर्फ असिस्ट के लिए, सिर्फ असिस्ट, मतलब पूरे सीज़न में जितने गोल नहीं उससे 3 गुना से 4 गुना ज़्यादा इस बंदे की असिस्ट हैं, मतलब अगर 1 गोल है तो 4 असिस्ट, मतलब सोचो। आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, डीपे को लूँगा, पेनल्टी टेकर है यार, डीपे को कैसे छोड़ दें। और एल्डे जोंग अपना डेब्यू मैच कंप्लीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों बार ये टीम हार, एक बार ड्रॉ हुआ, दूसरा भी ड्रॉ हुआ था, और एक एक गोल से, मतलब पूरे सीज़न में 2 मैच खेला है बंदा अभी डेब्यू मैच में, और 1 गोल हुआ है जो भी इसने नहीं किया। अगर एल्डे जोंग कर देता तो शायद मैं इसको आज अपना वाइस कैप्टन रखता, लेकिन आज मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, मैं वाइस कैप्टन नहीं रख रहा। आगे से बात करें आर मार्ती की, तो यहाँ पे लूँगा रॉजर मार्ती को, जो बंदा रियल मैड्रिड को गोल कर सकता है इस सीज़न में, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को, तो शायद वो आज चल सकता है, तो इसलिए मैट मारती को जरूर लेना। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है डीपे, वाइस कैप्टन है जोंग। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।